ज्वाइन ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया जे गार्डियन साहब। वाह रे वाह, क्या बात है जी, ये तो कमाल नहीं हो गया साहिल साहब। जी, और ये टीनेजर है एडम, सबसे बड़ी बात ये है, ओ नाइस, दैट इज इज अ नाइस, टीनेजर। ऑसम। जी सर, एडम भाई को मेरा सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम सर। सर, जी बताइए सर, क्या बोलना चाहते हैं आप, अपना दिल की बात। नहीं सर, मैं कितने देख रहा था ये स्ट्रिक्ट थे आप, मोमिनों की। कितना रसूलुल्लाह को मानते थे, किस हद तक जाने के लिए रेडी थे रसूलुल्लाह के लिए, फिर क्या हो गया ऐसा जो आप फिर निकल गए। अच्छा साहिल सर, आप मेरा टेस्ट नहीं लेंगे कि मैं मोमिन हूं कि नहीं? बताया तो उन्होंने है कि अरे अभी आपसे बात हुई लास्ट टाइम। यार अच्छा चलो अच्छा चलो, ले ठीक है, लेते, ले लेते, ले लोगों के लिए लेते ले चलो। लेते, दे दो खुद ही दे दो, तुम्हारा ही क्वेश्चन, तुम मतलब खुद ही क्वेश्चन सेलेक्ट करो और खुद ही आंसर भी दे दो, जाओ अल्लाह भी इतना अच्छा टेस्ट ले नहीं लेता है, हम लोग ले रहे हैं। गुड अरे वन, हाय हाय हाय, माशाल्लाह हाँ माशाल्लाह ना, सर, दिल खुश कर ये देते हैं इंशाल्लाह। क्या बात है, टेस्ट में भी चीटिंग है, टेस्ट की भी चीटिंग। ले भाई, खुद ही क्वेश्चन लिख और खुद ही आंसर भी लिख क्या बात है जी, क्या बात है, सवाल भी तेरा जवाब भी तेरा, बात हुई ना यार। जी सर, जी सर, ठीक है, मैं एक सूरह पढ़ लेता हूँ। अऊज़ु जी। बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ؟ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह, दिल से इन्होंने सीखा था कुरान, यानी सर मैंने मैंने अच्छी कर कुरान लेते हैं सीखा भाई। नहीं है, लेकिन सीखा नहीं है, बट मैक्सिमम आपसे ही इल्म हासिल किया है सर। जी। किस टाइप के बरेलवी थे आप, यानी ये क्या कहते हैं उसको, जुलूस उलूस में जाते थे, या यानी क्या 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 कैसा था आपका लाइफ, कैसी थी एज अ टीनेजर, एज अ बरेलवी। अरे सर, हाथ में झंडा होता था यार जुलूस में, हाँ हम वो थे जो पहले सफ में खड़े होते थे, और ऐसा हाँ नारा मारते थे कि अगले दिन गला ही फट जाता था। एक नारा बोलो जरा सर रात में सोए हैं, अभी उठ जाएंगे सब डंडे लेके, भूत चढ़ गया। जी। ठीक, जी सर, जी सर, बहुत खुशी हुई कि मोमिनों को देख के कि उनकी हालात भाई इश्क रसूल में इतने अंधे हो चुके हैं कि उनको एक लॉजिकल और रैशनल बात समझ में नहीं आती। जी और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मेरी आंखें खोल दी, वरना मेरा तो फ्यूचर ही इसमें ही बर्बाद हो जाता सर, रात रात जाग के मिलाद में, जुलूस में, और बहुत से जुलूस में जाना होता था, और मैं इतना कट्टर था कि मतलब मेरा एक इंस्टाग्राम पे इस्लामिक पेज भी था जिसको मैंने अभी एथियस्ट का पेज में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो मैं पहले वहाँ पे इस्लामिक पेज में अपना इस्लामिक अकाउंट में इस्लामिक कंटेंट डाला करता था। अरे वाह जी सर, तो जबरदस्त, यानी इतना इन्वॉल्व थे और दिल से आप मान रहे थे, फॉलो कर रहे थे। अरे यस सर, अगर अगर मैं अभी मोमिन होता ना तो आपको एले खबीस बुलाता अभी। खबीस हम सुन्नियों में है थोड़ा, वहाबियों को भावड़ा बुलाते थे, अहले हदीस को एले खबीस बुलाते थे, तो हम लोग हाँ ऐसे ही इंस्टाग्राम पे, मतलब हम लोग का ग्रुप भी था, और मैंने वैद थी मतलब मुरीद भी बना था मैं सरकार गौस आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का, कारिया चिश्तिया सिलसिले से मेरा ताल्लुक है, ओके बट आपके बात सुन के तो मेरा भाई सिलसिला गया भाई पूरा, मैं तो खारिज हो गया, सारा ईमान तो ईमान एक डगमगा गया सर। एक मेरा सवाल आपसे ये है कि आप यानी इतना शिद्दत से फॉलो कर रहे थे इस्लाम को, और खास करके जो
उसका जो बरेलवीज्म है जिसमें ज्यादा शिद्दत पाई जाती है ये सब चीजों को लेके, खास करके रसूलुल्लाह की जो शख्सियत है उस पे तो आप यानी थोड़ा भी मतलब एक जर्रे बराबर भी आप सवाल नहीं उठाते हो बीइंग अ बरेलवी, और ये हकीकत है। तो जब आपने चैनल देखना शुरू किया तो तभी गुस्सा आया था आपको कि यार ये क्या बोल रहे हैं लोग, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? यस सर, जाहिर सी बात है कि जब मैंने आपका, मैं ऐसे ही एक दिन, रमज़ान चल रहा था इसी साल 2022 का, तो मैं ऐसे ही यूट्यूब देखते देखते एक वीडियो, एक मुस्लिम चैनल था उनका वीडियो आया बनो कुरैज़ा के ऊपर, तो मैंने देखा, मैंने देखते देखते उन्होंने हवाले दिए, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह ने एक दिन में 600 से 900 यहूदियों का कत्ल कर दिया। तो मेरा एज अ बरेलवी मेरा दिमाग घूम गया, मैं बोला भाई ऐसे क्या बकवास कर रहा है ये, ठीक है। फिर मैं सुनता गया उसको, सुनते 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 ऐसे ही, तो उन्होंने जो रेफरेंस दिए थे मैंने चेक किए, मैंने सोचा कि देखूं तो ये बंदा बोल रहा है तो क्या बोल रहा है, कोई रसूलुल्लाह के बारे में ऐसी गलत बातें कैसे कर सकता। जी तो मैंने देखना शुरू किया, तो देखते देखते भाई जैसे मैंने रेक्टिफाई किया तो मुझे पता चला ये भाई ये बात तो लिखी हुई है हदीसों में, वो भी सही सित्तावे की किताबों में लिखी है, इमाम बुखारी ने लिखा है। तो मेरा वहीं से आपका चैनल फिर दीन मुर्तज़ जो था उसमें आपको सुना, आपको एडम भाई को और बहुत सारे एक्स मुस्लिम को सुना, और ऐसे ही मोमिनों की जिमनास्टिक सुनी, ठीक है। तो मैं बोला यार ये लोग वहाबी हैं, देवबंदी हैं, इसलिए ये लोग इश्क रसूल नहीं जानते, इसलिए ये लोग डिफेंड नहीं कर पाते, ठीक। इन लोगों का ईमान ही कच्चा है, और ये लोग वैसे ही क्या बोलते हैं इनको, मतलब आशिक रसूल सही माने में नहीं है। तो जब मैंने इस पे रिसर्च किया, मैं देखता गया आपका चैनल, फिर फॉलो करने लगा, फिर सोचा ये ऐसे अगर होगा तो भाई ये मेरे मतलब इनके ऊपर तो मैं जो मतलब बचपन से मुझे सिखाया गया था फिर रसूल और इश्क के अहले बैत और इश्क के सहाबा, ये सब तो फ्रॉड निकला। तो ये एक बहुत ही गहरा इम्पैक्ट छोड़ा छोड़ा मेरे दिमाग पे, जिसके लिए मैंने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। फिर से मैंने फिर अपना इस्लामिक पेज अकाउंट बंद कर दिया, बंद करने के बाद मैंने फिर रिसर्च किया इस पर, मैंने अहले सुन्नत वल जमात के साइट से देखा, आला हजरत की किताब से देखा, बहुत से ऐसे देखा, मैंने देखा कि इन बरेलवियों का ज़्यादातर जितना अगर उनका जो फाउंडेशन है उनका अकीदा है, अगर इनके अकीदे पे अगर डायरेक्ट अगर ये मारा जाए, जैसे आपने उनका किया था बनू कुरैज़ा का, सीधा एकदम रसूलुल्लाह की शख्सियत पे आपने हमला कर दिया था, तो ये बहुत ही मतलब पहले ऐसा मोमेंट मुझे बहुत खराब लगा, लेकिन फिर मैंने सोचना स्टार्ट किया तो ये सही लगा, बोला ऐसा कोई इंसान करेगा तो मैं उसको कैसा क्यों मानूं। तो धीरे धीरे सर मेरा गया जिसको आप अकीदा बोलते हैं, ईमान बोलते हैं, बिलीफ बोलते हैं, तो आज मैं यहाँ तो पे हूँ आपने एक्स मुस्लिम। जे गार्डियन साहब, चलिए कभी कभार बहुत सी बार क्या होता है कि यानी आप वन साइडेड बात सुनते हो, फिर उसके बाद आप किसी अपने उलमा से रीचेक भी तो करते हो ना, उनकी शायद बयानात सुनते हो, आप वीडियो सुनते हो कि कहीं वहीं से कुछ जवाब मिल जाए, क्योंकि आप पूरी जिंदगी बचपन आप उसमें गुजारते हो और इतना आसान नहीं होता कि यार चलो एक बात सुन लिया और फटक से मान लिया कि हाँ यही सही है, खास करके ऐसे जो मुर्तद है, इस्लाम छोड़ दिए या इस्लाम के दुश्मन है आमतौर पे जो बोला जाता है। तो आपने किसी आलिम से कांटेक्ट नहीं किया या उनके वीडियोस नहीं देखे, उनके आर्ग्यूमेंट्स आपको सही नहीं लगे? सर मैं एक बात बता दूं, मैं जब मैं मदरसा में भी पढ़ा हूँ थोड़ा दिन, मतलब ऐसा नहीं पढ़ा हूँ बस थोड़ा सा पढ़ा हूँ, तो इंडिया के एक बहुत ही फेमस मुफ्ती हैं, उनका नाम नहीं बता सकता वरना मेरी आइडेंटिटी रिवील होने का खतरा है, जी तो मैं उनके अंडर में मैंने उन कुछ तालीम हासिल की है, ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा
उनसे पूछा, वो बोले तुम ये सब लफड़ों में मत पढ़ो, तुम अभी बच्चे हो, तुम बस कुरान पढ़ो और इसी इसी पे ध्यान दो और तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, ये सब तुम ओके समझ नहीं पाओगे। और जो हमारे अभी इमाम हैं, मैंने उनसे भी एक बार रब्ता किया था एक मुस्लिम होने के बाद, मैंने पूछा उनसे, मैंने पूछा हजरत ये ज़रा आप मलकत अईमानकुम का तर्जुमा बता सकते हैं क्या? तो उन्होंने कहा भाई मुझसे मत पूछो, मैं हाफिज हूँ, मुझे ये सब नहीं पता। बोला हाँ हजरत आप ज़रा आप ज़रा बता दे तो मेहरबानी होगा। वो बोले नहीं, इसको अगर इसका लुगत देखना पड़ेगा अरबी डिक्शनरी में। बोला ठीक है देख के बताइए। वो 3 महीना हो गया आज को, लेकिन हजरत का आज तक जवाब जवाब नहीं आया। जबरदस्त। हालांकि और ये बात सही है कि अक्सर जो मस्जिदों में जो इमाम होते हैं, इंडिया की बात कर रहा हूँ खास करके, उसमें आपको अक्सरियत हाफिजों की मिलेगी, आलिम जल्दी आपको मिलेगा नहीं। जुमा में भी ऐसा हाल होता है कि उनको दूसरी जगह से आलिमों को बुलाना पड़ता है जुमा के लिए, वरना अक्सर जो मस्जिदों के आलिम होते हैं वो सिर्फ हाफिज होते हैं, रट्टा मारे होते हैं, उनको इस्लाम का इतना नॉलेज होता भी नहीं है। लेकिन मलकत अयमानुकुम, ये तो ऐसी बात है कि यार उनको तो पता होना चाहिए, लेकिन उनको वो भी नहीं पता पता था। है बोल नहीं रहे थे, ये हाँ, मैं या ये गारंटी हो से कह सकता है रहा कि हूँ, वो, हाँ, कि इसको क्या बताऊं दो अभी नंबरी मैं मार कि रहे हैं। सिर्फ। हाँ फंस जाएगा बेचारा, क्योंकि सही ये सही तो सही कहा, सबसे बड़ा आदम से कुतुब ना ना सही कहा, दलील दलील तरीन चीज ना, ये तो मलकत ईमान सही कैसे बात है। बताएगा वो। यस सर, देखा ये सही, यानी कि चेहरे पे मुझे मालूम पड़ रहा था कि वो जानते हैं लेकिन वो बताना नहीं चाहते, क्योंकि एक हाफिज को मदरसों में पढ़ाया जाता है तो उनको तर्जुमा भी सिखाया जाता है, लेकिन वो चीज़ पब्लिक में नहीं बता सकते वो लोग। और ये ऐसी बात है जो पब्लिक में बता भी नहीं सकते ये लोग। पब्लिक में जी बताएंगे तो भाई, अगर साबित मुझे हो याद जाएगा कि है, इंडिया में इन्होंने आके इंडियन औरतों को क्या क्या किया उनके साथ, क्योंकि ये वाली बात साबित करती है उन्होंने क्या क्या किया। जो यार इंडिया में वो क्या लिखा था उसने यार, वो कौन सी किताब थी मुझे नाम भूल गया उसका, जो शरिया लिखी थी इसने, क्या नाम था उस किताब का, हमजद अली आजमी फतावा बहार आलम भी नहीं। शरीयत। फतावा आलम, फतावा आलम, फतावा आलम के वॉल्यूम नंबर 4 के अंदर ना, ये मलकल यमीन के ऊपर 150-200 पेज के ऊपर लिखा हुआ है, फताह आलमगीरी के अंदर 150-200 सफ़े सिर्फ इसी चीज के ऊपर है कि जब आप एक लड़की को गुलाम बनाओगे, वो कितने लोगों ने गुलाम बनाई, उसके बच्चे के साथ क्या होगा, वो बच्चा किसका माना जाएगा किसका नहीं माना जाएगा, एंड ऑल दिस काइंड ऑफ बुलशिट, ये उसे लिखी हुई है फताह आलमगीरी के अंदर वॉल्यूम 4 के अंदर। इसके ऊपर स्ट्रीम बनाऊंगा किसी दिन, मैं हाँ, ये लिखा हुआ है। इसके ऊपर पूरी स्ट्रीम बनाऊंगा किसी दिन, दिखाऊंगा आपको क्या क्या लिखा हुआ। तो जो आपकी जो ग्रेट 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 लेडीज थी एंसेस्ट्री, उनके साथ इन मुसलमानों ने क्या क्या किया, उनके साथ जब बच्चे पैदा करवाए तो उन बच्चों के साथ किस तरीके से डील किया गया, और जब मलकल यमीन में आके उनके साथ क्या क्या जुल्म जुल्म हुए, ये सारा आपको किसी एक स्ट्रीम में ना, एक ही स्ट्रीम में दिखा देंगे। 150 सफ़े हैं, पढ़ना शुरू कर देंगे बैठ के और एक्सप्लेन करेंगे कुरान और हदीस से और सुन्ना से, और आपको पता लगेगा कि वो शरिया लिखा हुआ है। 400 मुसलमानों ने मिलकर वो शरिया लिखा था ईरान और सऊदी अरेबिया के, ये एवे ही नहीं लिखा गया था। इट्स अ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग थिंग मलकल यमीन। अगर इंडिया में बताएंगे तो किन्हीं किताबों से बताएंगे ना, जो इंडियन और हिंदी किताबें उनके थ्रू बताएंगे ना, उनके थ्रू बताएंगे तो साबित करेंगे कि उन्होंने ये नॉन मुस्लिम औरतों के साथ क्या क्या जुल्म किए। ही हैज टू एक्नॉलेज दैट देन। ये अब्दुल्ला अब्दुल्ला जी भाई, सर, आपके बैकग्राउंड से शायद नॉइस आ रही है। अच्छा, ड्रॉप हो गए। यानी इतनी खुशी होती है कि और खुशी मुझे इस बात की है जे गार्डियन जैसे लोगों के लिए कि बहुत कम एज में ये लोग बाहर निकल गए, तो ये जो एक लंबा पार्ट इनकी लाइफ का जो वेस्ट होने वाला था उससे बच गए, तो ये ज्यादा खुशी की बात है। ये और इन्होंने हमारी एक नुक्ता रखा था साहिल साहब, कि इन्होंने ये कहा कि मैं सुन्नी बरेलवी जमात से हूँ, और हाँ इन्होंने ये कहा कि हमारा सबसे बड़ा जो हथियार है वो इश्के रसूल है। बिल्कुल, पॉइंट, हाँ पॉइंट इनका नोटेड था। और उन्होंने ये कहा कि जब मैंने ये सुना कि मोहम्मद का चरित्र कैसा था, किरदार।
हाँ किरदार कैसा था, तो इस किरदार को आपसे समझने के बाद ही ये अलहदा हुए। ये बहुत इनका बारीक निकात था जो मैं इनकी बात से समझ पाया। बिल्कुल बिल्कुल, और इतनी खुशी होती है मुझे कि लोग जो हैं हमारी स्ट्रीम्स देख के। अब प्रॉब्लम ये है, जैसा जे गार्डियन साहब ने हिम्मत दिखाई, अब्दुल्ला मेरानी साहब है ये हिम्मत दिखा रहे, हर कोई ऐसा हिम्मत नहीं कर पाता इस टीम में जुड़ने की, लेकिन इम्पैक्ट तो बहुत हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इम्पैक्ट हमारी वीडियोस का इतना हो रहा है कि कट्टर से कट्टर जो बरेलवी है या देवबंदी जमाती है, हर कोई सोचने पे मजबूर हो गया है, दिमाग लगाना शुरू किया है कि भाई ये जो बता रहे हैं ये वाकई में है भी क्या नहीं है, चलो चेक तो करते हैं, कहीं ये दुश्मनी में तो नहीं बता रहे। तो वो जब चेक करने जाते हैं, सोचते हैं तो निकल जाते हैं। और उसी की मिसाल जो है ये, अब देखिए हमारे साथ असलम भाई है, एक्स मुस्लिम जॉली एलएलबी साहब है, अब्दुल्ला मेरानी साहब है, ये सब उसी यानी क्या कहते हैं उसको, उसी वो एक कहावत है ना, नाव का हिस्सा है वो, यानी जो सवारी होती है ये सब उसी सवार, सवारी के सवार है ये जो निकले हुए। मैं गवाही देता हूँ, आप बिल्कुल वजह और सही फरमा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अब्दुल्ला मेरानी साहब भी एक वालेकुम अस्सलाम जॉली एलबी साहब, अब्दुल्ला मेरानी साहब भी एक टाइम ऐसा था कि कई स्ट्रीम में जुड़े थे और उन्होंने इस्लाम को डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन बाद में वो भी निकल गए। हमारे मक्का फाउंडेशन साहब का भी वही हाल है, पहले इधर इस्लाम को डिफेंड करने आते थे लेकिन निकल गए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। एक्स मुस्लिम जॉली एलएलबी साहब, आपको कुछ ऐड करना आप करिए, उसके बाद अब्दुल्ला मेरानी साहब को, उसके बाद फिर हम किसी मोमिन से बात करेंगे। पहले एक्स मुस्लिम जॉली एलएलबी साहब। माशाल्लाह भाई, आज का जो स्ट्रीम रसूल अल्लाह के थूक मुबारक और पेशाब मुबारक के ऊपर आपने किया है, मेरे कानों में तोजक की आग पर रही है भाई। जब मैं मोमिन था तो मैंने जब रसूल अल्लाह के थूक मुबारक और पेशाब मुबारक के बारे में सुनता था तो मुझे फक्र होता था कि मेरा रसूल ऐसा है, लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि मेरा रसूल कैसा है, जिस जो मोमिन। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, आपने स्ट्रीम करके ना आज आज मोमिन को बोलते ना धन्य धन्य कर दिया है भाई, धन्य धन्य हो गए मोमिन आज, उनको सबसे ज्यादा आपके पर ही प्यार आ रहा है कि आपने स्ट्रीम किया है। सही, बहुत जबरदस्त। अब्दुल्ला मेरानी साहब ड्रॉप हो गए हैं। अच्छा एक अनाउंस कर दूं कि एक मुझे फोन पे कंट्रीब्यूशन आया 10,000 रुपीस का। मैं पूरा नाम नहीं लूंगा उनका क्योंकि मुझे पता नहीं इफ ही इज ओके और नॉट। ए कश्यप साहब, आपका कंट्रीब्यूशन आ गया है 10,000 रुपीस का फोन पे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। असलम भाई कुछ ऐड करना है आपको, उसके बाद फिर हम फिर मोमिनों से बात कर लेते हैं। जी, ये कादरी चिश्ती वाले जो हमारे जे गार्डियन साहब है, मैं इनकी बातों से सहमत हुआ और मैं भी इसी किस्ती का सवार था। मैं ये कहना चाहूँगा साहिल भाई, आप बिल्कुल दुरुस्त जा रहे हो। जो आपने सवाल रखा था थूक के बारे में, तो थूक को लुआब कहा जाएगा, और जब मोहम्मद लुआब दहन, हाँ हाँ हाँ, जब स्पेसिफिक कहा जाएगा तो वो लुआब दहन कहा जाएगा। और लुआब जो है वो जबान पर पैदा होने वाला माता है, और जबान जो है हर इंसान की पाक है बकौल शरिया, हर इंसान की, यानी उसमें काफिर भी आ गए और मुसलमान भी आ गए। अब क्यों ये पाक है? क्योंकि उससे कलिमा शहादत पढ़ना होता है, तो अगर नापाक होगा तो वो कैसे मुसलमान बनेगा। एक इसका ये रीजन ये भी दिया गया है। इसके अलावा जबान जो है, अगर आपने शराब पी है तो उसी दौरान जब तक उसकी उसकी बू बाकी रहेगी मुंह में और जबान पर उसकी तरी बाकी रहेगी, उसी वक्त के दौरान ये जबान जो है वो नापाक कहलाएगी। उसके अलावा चाहे मुसलमान की हो चाहे काफिर की हो, ये जबान पाक ही कहलाएगी, और उससे निकलने वाला ये जो मादा है थूक, जिसे लुआब कहा जाता है, ये लुआब शरीयत मुतहरा में पाक करार दिया गया है। अगर आप लुआब दहन की बात करें रसूल अल्लाह के,
तो अबू हुरैरा ये जो रावी है तो इन्होंने सही हैन में सबसे ज्यादा रिवायतें की है, तो इनको जहनियती बीमारी थी, इनको पहले कुछ याद नहीं रहता था और ये कुछ भी याद नहीं रख पाते थे। दूसरे सहाबा सब याद रख लेते थे और ये कुछ नहीं याद रख पाते थे। तो एक बार रसूल अल्लाह ने अपना मुंह जो है ये इनके अबू हुरैरा के मुंह पे रखा और अपना लुहाब दहन इनके मुंह में पहुंचाया। तो अब लुहाब दहन की बरकत, बकौले इस्लाम बरकत ये हुई कि अब वो कुछ भी सुनते और किसी का भी सुन लेते तो वो सब याद रह जाता और इसी वजह से वो सबसे बड़े रावी भी बन गए। और हाँ। ये जो मुसलमान अभी ये थूक को डिफेंड नहीं कर रहे, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। थूक इनके लिए मुबारक है, लुआब दहन इनके लिए पाक है, लुआब दहन एक मुअज्जिजा है और हर मुसलमान जो ईमान रखता है उसे लुआब दहन को अपने मुंह में और जिस्म पे मलने पर फक्र महसूस करना चाहिए और उन्हें ये महसूस करना चाहिए कि आइंदा से अल्लाह की जहन्नम में जब जहां पर भी ये लुआब लगा होगा वो आग मुझे असर नहीं करेगी। अरे रे 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 रे, फुल नहाना धोना होना चाहिए फिर उसमें तो। हाँ ये इनका हक बनता है यार, ये कैसे मुकर सकते हैं, ये आपको कैसे ये कह सकते हैं कि आप ये सवाल नहीं कर सकते, इनको आपके सवाल में लॉजिक क्यों नहीं दिख रहा है। हाँ। ये तो ये बात कब से समझ में नहीं आई। देखिए साहिल साहब, बेचारे मायूस, मैं भी इसके रसूल का, हाँ मैं भी इसके रसूल का मारा था। जब मुझे ये पता चला कि जब आप सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नाम याद कर लोगे तो आप जन्नत में चले जाओगे, तो मैंने 99 नाम याद कर लिए। फिर मुझे पता चला बहुत सारे औलमा से, मौलवियों से, मुफ्तियों से कि अगर आप कसीदा बुर्दा हिफ्ज कर लोगे तो बेशक आपको सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत होगी। तो मैंने कसीदा बुर्दा हिफ्ज कर ली, कई बार पढ़ पढ़ करी, कितने सालों तक, रोजाना 1.5 घंटे तक। अब कभी भी वो जियारत नहीं हुई। अब लोग कहते थे कि जिन्नात ताबे करने बैठते हो तो तुम पागल हो जाते हो, तुम जहनी मरीज हो जाते हो, वो जिन्नात समुंदर छूटा मार देते हैं, तो कभी शेर बन के आते, कभी तूफानी हवाएं चला देते हैं। तो 500 बार मैं जिन्नात ताबे करने के लिए बैठा, मुझे खाक मक्की का पर हाथ नहीं आया। सच कह रहा हूं, मैं दिल से कह रहा हूं, आप मेरी आवाज से, आप मेरे मेरे बोलने के अंदाज से आप फील कर सकते होगे शायद। सही बात है।